हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको वहाँ पे बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, नेटवर्क झुंझुन वाला। अच्छा था झुंझुन वाला, इसकी सेटिंग करवा दो तुम। अरे कैसी लड़की चाहिए तुझे? अच्छी होनी चाहिए बस। अरे माल तो है ना तेरे पास? बहुत माल है मेरे पास। तो ठीक है, चलो मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, चलो। तुम दोनों को लड़की देखना है? हाँ दिखाओ। वो देखो, वो तो काफी अच्छी है यार। कौन है ये लोग? ये आपसे हमारी सेटिंग करवा रहा था। नहीं नहीं मैम साहब, आपसे सेटिंग नहीं करवा रहा था, मगर ये तो आपके बारे में बोल रहा था। जान ले लूंगा तेरी, चुप हो जा। कौन है ये लोग? कोई नहीं मालिक, ये दोनों नौकर है, काम मांगने आए थे। ऐ सुनो, तुम दोनों यहीं पर रहकर तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें रहने के लिए एक अलग कमरा दे दिया जाएगा। आओ चलो देख लो, आकर आओ। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, हा? पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। कलेक्टर बनने वाला जो थाला बैठा बैठा पढ़ाई करे, कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं यहाँ क्या करने आया था और मैं क्या कर रहा हूँ अब? जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे, तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस खस खस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी पूछ रहा हूँ, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। ओए मैनेजर, लड़की से कब मिलवा रहा है तू? बोल कब मिलवा रहा है? ओए कोई सुन लेगा? साले 2 दिन हो गए अभी तक लड़की से मिलवाया नहीं, पैसे भी एडवांस ले लिया तूने, कब मिलवाएगा बोल लड़की से? अरे चुपचाप रह। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट नो खाड़ो पुरवा। हेलो क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, नथी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू नहीं जम्मू नथी
फाड़ मार तू जा फाड़ मार ए जाता जाता साले गड्ढा खोद जाके साले गुजराती समझता नहीं मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा यार कपड़े धो धो मेरी हालत खराब हो रही ऊपर से कह रहा है गड्ढा खोदो मैं कोई बंजला मजदूर हूँ अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है वो खाना खाने के लिए बुला रहा था क्या चाचा भी काम कर क्या खाना हाँ चौली की सब्जी है चपाती है और मिठाई में घूघरा है खाने में चौली सब्जी और क्या चपाती चपाती ओ मिठाई में क्या था वो क्या बोलते हैं गुजराती में घूंघरा है घाघरा घूंघरा 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 मैं तो कुछ और ही समझ रहा था अब कुछ नहीं हो सकता इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता अरे ये भगवान क्या जुलुम है सारा काम करूं मैं खाए वो अब कुछ नहीं हो सकता क्या हो सकता है एक बार सबका खाना हो जाए हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा वो तुमको बुला लेंगे ए, कुछ करो ना कुछ करो ना उठ जाके कपड़े दो पैंट गीली कर रहा मेरी ए क्या कर रहा है पागल हो गया क्या अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया इसलिए होश खो बैठा अबे कौन चल ज्यादा परेशान मत हो पहले काम खत्म कर ले और फिर मैं तुझे एक लड़की से मिलवाता हूँ बहुत अच्छी है वो समझे काम कर ले पहले खत्म क्या काम है तुम्हें वो यहाँ के मैनेजर ने मुझे बोला कि मेरी सेटिंग करवाएगा आपसे किसने बोला तुम्हें वो यहाँ का मैनेजर है यहाँ पर लेकर आया मुझे प्लीज क्या नाम था उस नौटंकी का मिस्टर झुनझुन वाला हाँ झुनझुन वाला सही मैं हाँ हाँ उसी ने बोला था पर मैं वो लड़की नहीं हूँ कोई बात नहीं मैं आपसे काम चला लूँगा पर मैं शादीशुदा हूँ बट स्टिल आई लव यू बहुत बहुत प्यार करता हूँ आपसे बहुत बहुत ये आदमी मुझे छेड़ रहा है कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ हाँ हाँ करता हूँ मैं इससे प्यार करता हूँ बहुत प्यार करता हूँ